का वो आना साइड अरे भाई क्या उधर तो दिखाओ हाय गाइस डे 6 और मैं जयपुर में हूँ और बाइक मैंने पूरा रेडी कर लिया है और आशीष भाई ने भी पूरा रेडी कर लिया है बाइक को। तो अभी हम लोग यहाँ से भानगढ़ के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ से कम 7-8 राइडर यहाँ से हैं जयपुर से, और कुछ जो हमें मिलेंगे जो हमारे ग्रुप के बंदे हैं वो सब भानगढ़ आ रहे हैं। तो सबके साथ मिलके थोड़ा सा भानगढ़ एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद सोनीपत के लिए रवाना हो जाएंगे हम लोग। और ये दोनों सिस्टर्स रेडी हो चुकी है ब्लैक एंड वाइटी, तो अभी इन पे हम निकलते हैं। और चले आशीष, अभी यहाँ से निकला हूँ मैं और 4 घंटे की नींद ली है मैंने। रात को 1 बज गया था, वापसी फिर 5 बजे मैं उठा हूँ। और आज मेरा 6th डे है राइड का। अब मैं जयपुर हूँ और जयपुर से भानगढ़ के लिए निकले हैं, और यहाँ से भी कुछ राइडर जाएंगे, आशीष भाई और वो जो यहाँ के राइडर जाएंगे वो वापसी आ जाएंगे, फिर वहाँ से मैं आगे कंटिन्यू कर जाऊँगा। कुछ हमारे भी ग्रुप के मेम्बर आ रहे हैं वहाँ पर, तो उनके साथ ही फिर हमारी जो राइड रहेगी सोनीपत तक की, तो उनके साथ ही रहेगी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो और कुछ मेरी पुरानी वीडियो देख लो। बाकी सिलसिला तो चलता ही रहेगा राइड का। हम जयपुर के ग्रुप के साथ हैं और यहाँ से सारा टोटली हम साथ में निकलेंगे, और दिल्ली से हमारा ग्रुप आ रहा है जो हमें ज्वाइन करेगा भानगढ़, और उसके बाद फिर सीधा हम दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं लीड कर रहा हूँ अभी सबको भानगढ़ तक, इस जयपुर के ग्रुप को, और निकले अभी हम यहाँ से। टाइम 11:30 के आसपास का हुआ है और भानगढ़ के बिल्कुल बाहर हैं हम। तो अभी एंट्रेंस करते हैं और आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो भाई लोकेश भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत मजा यार। ठीक है, और चाय पी लो। चल तू उठाओ, महंगा तू महंगा, ये तो अपना ही है यार। यहाँ पे तो हाई कर दियो, इधर इधर बढ़िया।
रुजा भाई आशीष आ गया चल भाई चल 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 भाई लगा रहा मैं अंदर अंदर चलो रे भाई चलो अंदर चलो अब एक जन वो कर ले रुक जाए तो अभी मैंने सभी से इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका. ये सारे फ्रेंड है जो दिल्ली से आए हुए हैं. द सीनियर्स ग्रुप के नाम से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. अभी मैं भानगढ़ के किले के अंदर हूँ और बीच में काफ़ी अच्छा पार्क है, और आप पीछे देख रहे हो वो रानी का किला होता था, और जो आपको बिल्कुल ऊपर दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर, वो वहाँ पे वो उस तपस्वी का होता था जो महारानी पे फिदा था. फिल्टर फट गए यार. एक हेलमेट, दूसरा हेलमेट और पीछे बैग. लग रहा है व्लॉगर मैंने डाला. हाय दोस्तों, आज 6 दिन हो गए मेरे को राइड करते हुए, और आज की भी रात मेरी आधी जाएगी, तो अराउंड मैं 12-1 बजे के आसपास घर पे पहुंचूंगा. और अभी जस्ट मैं भानगढ़ से निकला हूँ, सिर्फ 5 किलोमीटर. तो अभी के लिए बाय, थैंक यू. आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर और हर चीज़ मेरी इंक्रीज़ हो रही है, और आप लोगों की वजह से ही मैं सक्सेस हो रहा हूँ. और वो भाई जिन्होंने मेरी राइड में मेरा साथ दिया है, जो गोपाल भाई हैं जिन्होंने मेरी राइड को कामयाब करा है, तो उनके लिए तहे दिल से मेरे को हाथ जोड़ के थैंक यू. आप लोग नहीं होते तो मेरी राइड इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और आगे भी मेरी राइड ऐसे ही होती रहेंगी. तो आप देखते रहो मेरा चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर करो आप नए हो तो. परवेज भाई आया है दिल्ली से रिसीव करने के लिए भानगढ़, ललित और भी 2-3 बंदे हैं जो साथ में आए हैं. इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर नाउ, बाय. अभी हम भानगढ़ से निकले हैं, अभी टाइम हुआ है 7:30 हो गए हैं राइट टाइम, और 310 किलोमीटर है यहाँ से सोनीपत, जो कि हम नॉन स्टॉप मारने वाले हैं. मैं अपने ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, बाकी सब मेरे पीछे चल रहे हैं. लास्ट में आशीष भाई हैं जो कि टेल कर रहे हैं, वो पीछे से सबको वो करेंगे, और आगे मैं सबको रास्ता दिखाता हुआ चलूँगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है और पैच काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और एरिया भी सेफ नहीं है. और आज रात को 1-2 बजे तक अप्रोक्स मैं 1 बजे लगा के चलाऊँ कि 1 बजे तक मैं सोनीपत पहुँच जाऊँगा. बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हैं, आप मेरी सारी पुरानी वीडियो देख चुके हो. आज मेरा 6th डे है राइड का. भानगढ़ में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा, तो जंगल इलाका तो है यहाँ पे, पहाड़ी इलाका, तो काफ़ी सेफली चलना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी ऐसी लाइट रोड पे पड़ती हैं तो जो जंगली जानवर होते हैं वो उसकी तरफ भागते हैं.